जैसे जैसे 2019 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां जनाधार से लेकर आर्थिक आधार तक मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए धन और बल दोनों जरूरी होता है। इसी जरूरत को देखते हुए एक तरफ बीजेपी नमो ऐप के जरिए पार्टी के लिए फंड जुटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया चुनावी स्टाइल में घर घर जाकर चंदा जुटाने के अभियान में जुटे हुए हैं। 21 अक्टूबर को शुरू किए गए चंदा अभियान के लिए सीएम केजरीवाल भी लोगों से वोट के साथ ही चंदा देने की अपील भी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार आज खूब ईमानदारी के साथ काम कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपके चंदे से चलती है। हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, जितना भी दें, लेकिन आम आदमी पार्टी को चंदा जरूर दें, ताकि हम ऐसे ही ईमानदारी के साथ काम करते रहें। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान के नाम पर 100 रुपए से लेकर 10,000 तक चंदा मांग रहे हैं। पार्टी लोगों से अपील कर रही है कि वो 100, 1,000 या फिर 10,000 रुपए जितना हो सके हर महीने दान करें। इधर सीएम केजरीवाल की पार्टी चंदा जुटाने लगी है, तो उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पार्टी के लिए चंदा जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि वह लोगों से 1,000 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं मांग रही है। अपने ट्वीट में सुचिता की बात करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा, सार्वजनिक जीवन में सुचिता बहुत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भाजपा ने नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से छोटी राशि इकट्ठी करने का अभियान चलाया है। इसमें 50 से लेकर 1,000 रुपए तक की राशि दी जा सकती है, 1,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकार नहीं की जाती। नमो ऐप के जरिए बीजेपी को चंदा देने वाले सुषमा स्वराज ने अपने अगले ट्वीट में कहा, मैंने भी कल इस ऐप पर 1,000 रुपए की राशि दी है। मेरा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा हितैषियों से अनुरोध है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनाए रखने के लिए इस अभियान में अपना योगदान अवश्य दें। सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए शुचिता के साथ ही चंदे की राशि बताकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि बीजेपी नमो ऐप के जरिए कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए चंदा मांग रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लोगों से चंदा मांग रही है।